अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनके एक एक जुमले बहुत ही काम के हैं। इनकी बातें सुनिए आप पूरे। से ना पड़ोस से, अरे रिश्तेदारों से लेना देना नहीं बचा यार। भाई अमीर बहन गरीब, भाई अमीर भाई गरीब, हाउ इट इज होता पॉसिबल? है आजकल ये कैसे मुमकिन भाई है भाई में कि एक भाई पैसे वाला दूसरा भाई गरीब? ये तो ढांचे नहीं बना के दिया था मेरे नबी ने। तुम्हें खैर ख्वाही करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए, हालात देखना चाहिए। वो गरीब है, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम अमीर हो, तुम्हारा भाई गरीब, तुम्हारे रिश्तेदार गरीब, तो कर क्या रहे हो तुम? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस समाज में, इस माशरे में। जिसके पास पैसा है, सलाहियत है, मईशत है, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन हम वो हक अदा नहीं कर रहे। अच्छा घर बना लूं, इंटीरियर कर लूं, महंगी कारें ले आ लूं, और ज्यादा इमेज बनाना हो तो हर साल उम्रे पे चला जाऊं। ये दिन समझ रखा हमने। 50,000 का उम्रा, 1.5 लाख का खाना करते, आने में अलग खाना, जाने में अलग खाना, हार भी पहन लूं, नारे। अब क्या जंग पे जा रहे, क्या करने जा रहा है? इबादत को तमाशा बना रखा है। और किसी गरीब की छत टपक रही है, रात में सोने में पानी भर रहा है, चादर उसकी बदलने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास। किसी की बहन बेटियां घर में है, उनको इज्जत से विदा कर दो, वो नहीं करोगे। किसी बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, किसी को कारोबार नहीं डालोगे। बस हद उम्रे को अपनी वो समझ रखा है। ये सिस्टम बना लिया तुमने, पूरा सिद्धा बिगड़ा हुआ है साहब। ये समाज की संरचना इस्लाम ने नहीं करी थी, ये नहीं करी थी जो हमने बना दी है। किसी की तरफ देखने को तैयार नहीं है। मदद भी करेंगे तो रमजान में,